हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए इस पोशाक के साथ कि हम कैप बनाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये तीन कलर लेंगे हम। सबसे पहले हम ऐसे मैजिक रिंग लग बनाएंगे, ऐसे निकाल लेंगे एक बार, ऐसे जंजीर बना लेंगे। ये धागा हमें ऐसे चेक करना है कि हमारा ये ऐसे खींच रहा है तो हमारा ये रिंग सही है। देखिए मैंने दो की चैन ले ली है। अब मैं इसके अंदर एक डबल क्रोशिया, सॉरी, और ये दूसरा डबल क्रोशिया। इसी तरह मैं ये 10 डबल क्रोशिया बनाऊंगी अपने। ठीक है, एक हमने चैन ले ली, उसके साथ में ही 2, 4, ये 5 हो गए, ये 6, ये 7, ये 8, 9, ज़्यादा लंबे नहीं मैं खैची डबल क्रोशियों को, और ये 10। ठीक है, 10 बना लिए हमने। ये जो धागा ऐसे खींचेंगे हम तो ये बंद हो जाएगा होल, ऐसे स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ पे निशान लगा लीजिए, अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता कि हमारा राउंड यहाँ पे ख़त्म हो गया है, यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए। अब हम इसी तरह बनाएंगे पूरा राउंड, 10 के ऊपर ऐसे ही घुमाएंगे बस हाफ क्रोशिया, ऐसे धागा ऊपर रख के चैन में जाएंगे, ऐसे तीनों को एक साथ निकाल देंगे। धागा ऊपर रख के आगे वाली चैन में जाएंगे और तीनों को एक साथ निकालना है हमें। ऐसे धागा ऊपर रख के आगे वाली चैन में जाएंगे, ये पूरा राउंड इसी तरह कंप्लीट करूँगी। 10 के ऊपर हमें 10 ही बनाने हैं बस। इसे डबल धागा उठाना है हमें। देखिए ये राउंड कंप्लीट करके आपको फिर दिखाती हूँ। आराम से बनाइएगा, बिल्कुल छोटे से गोपाल जी की पोशाक कैप है ये। अगर आप बिग पहनाते हैं सर्दी में भी तो 12 डबल क्रोशिया बना लीजिएगा, तो ये थोड़ी सी खुली हो जाएगी। ठीक है, देखिए एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे आके इसको ऐसे स्लिप स्टिच से ऐसे बंद कर देंगे, ऐसे निकाल के ऐसे निकाल देंगे। अब इसी तरह मैं 3 राउंड और निकालूंगी, एक चैन ले लूँगी 10 के ऊपर 10, इसी तरह मैं 3 राउंड निकालूंगी। टोटल मेरे 4 राउंड हाफ क्रोशे के निकल जाएंगे। एक हमने शुरू में अपना डबल क्रोशे का राउंड निकाला है, उसके साथ में ये 5 राउंड हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह मैं आपको ये 4 राउंड निकाल के फिर दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मेरे 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे हम इसको स्लिप स्टिच से ऐसे बंद करके एक चैन लेके कट कर देंगे। ठीक है, हमारी छोटी सी गोपाल की कैप बन गई है। अब हम बाहर की तरफ इसको झालर लगाएंगे, वही येलो कलर की से बनाई थी हमने पोशाक में झालर, ऐसी हम यहाँ पे बना लेंगे। जहाँ पे हमने अपना धागा छोड़ा है वहीं पे देखिए ऐसे घुमा के क्रोशे को बाहर नोट लगाएंगे, ऐसे इसको ऐसे अंदर लेके जाऊंगे। ठीक है, 1, 2 की मैंने चैन ले ली है। अब क्रोशिया मुझे उल्टा करना है, ऐसे एक थोड़ में अपनी दो दो निकालूंगी। देखिए सीधा ही निकाल लीजिए, फिर हम क्रोशिया बदल लेंगे अपना। हमने यहाँ पे झालर नहीं बनाई, अगर एक राउंड निकालते तो काफ कैप सामने से मोटी हो जाती, इसलिए ये मैंने एक थोड़ी तेज निकाली है। आगे वाले में 1, वहीं पे 2, वहीं पे 3, उससे आगे वाले में 1, ये 2, ये 3। आप दो दो भी निकाल सकते हैं अगर आप कम झालर बना रहे हैं। 2, एक में 2 बना लीजिए, एक में 3 बना लीजिए, इसमें 3 बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए मुझे अपना उल्टी तरफ इस तरफ धागा बांधना है। ऐसे निकाल के ऐसे डाल लेंगे। ठीक है, हमारा कोई फंदा छूटना नहीं चाहिए, सभी फंदे हमें ऐसे डालने हैं। अब सबसे ऊपर हमने अपना ग्रीन कलर लगाया है,
उसी तरह से घुमा के क्रोशे को घुमा लीजिए एक बार। नोट बाहर लगाना है हमें, फिर अंदर लेके आना है। उसी तरह हमें दो दो फंदे गिराने हैं अपने, जैसे हमने पोशाक में बनाई थी सेम उसी तरह। बस हमने पोशाक में अपना क्रोशिया उल्टा कर लिया था, क्योंकि हमने उसमें जंजीरी बना के उठाए थे ये फंदे। ये छोटे से गोपाल की कैप हैं, अगर इसमें एक हाफ जंजीरी का घुमाएंगे तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। मैंने ऐसे उठा दिए फंदे, ठीक है। अब मैं अपना क्रोशिया फिर बदल लूँगी, यहाँ से निकाल के ऐसे डाल लूँगी सीधी तरफ। ग्रीन को छोड़ दूँगी, येलो को पकड़ लूँगी। देखिए वही झालर हमारी सामने बन गई है। यहाँ पे हमने दो तीन निकाले थे, अब हम दो निकालेंगे। एक दो, एक थोड़ा दो निकाल लीजिए, एक थोड़ा तीन निकाल लीजिए, या फिर आप सभी दो दो कर लीजिए। अगर ज़्यादा झालर चाहते हैं उस हिसाब से देख लीजिएगा। ये दिखा दूँगी मैं आपको कैसे झालर बन रही है। एक में मैं दो निकाल रही हूँ, दो में दो निकाल लिए, अब इसमें तीन निकाल लेते हैं। देखिए ज़्यादा नहीं हमारे फंदे बनेंगे, थोड़े ही बनेंगे, क्योंकि कैप की गोलाई थोड़ी कम ही है, हम थोड़े थोड़े करके बना लेंगे। देखिए चौ पड़ने लगा है क्रोशे के ऊपर, अभी दो ही बना लेती हूँ। ठीक है, देखिए ऐसे घुमाएंगे निकाल के क्रोशे को, वापस ऐसे डाल लेंगे। ध्यान से डालिएगा, हमारा कोई फंदा छूट ना जाए। ग्रीन तक डालना है हमें, उसी तरह दो दो करके निकाल देनी। जो मेरे रह गई हैं वो भी मैं इसी तरह उठा के उनको इसी तरह कम कर दूंगी, ठीक है। ऐसे निकाल के ऐसे डाल लेंगे क्रोशे को, ग्रीन छोड़ देंगे। देखिए थोड़ा ही काम रह गया है, इसमें मैंने दो निकाल लिए थे, आगे वाले में दो। थोड़ा बनाने के बाद हमें पता चल जाएगा। देखिए कैप की इतनी बड़ी झालर बन गई है, दो दो ही निकाल लेते हैं। उल्टी तरफ पिछली तरफ थोड़ा कम हो जाएगा, वैसे तो कम नहीं होगा, पूरी झालर आएगी। देखिए हमें तीन बार में कैप की ये गोलाई कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे आके से जुड़ जाएगी। क्रोशिए का मुंह इस तरफ करना है हमें, कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से ये काम हो रहा है, क्योंकि हमारे फंदे खुले हैं, कोई छूटा नहीं हमारा फंदा बिल्कुल भी। तीन बार हमने फंदे निकाल निकाल के बनाए अपने, आराम से ये काम हो गया, ठीक है। तो बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लगी गोपाल जी की कैप। लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। देखिए लास्ट वाला भी हमने निकाल दिया, अब इसमें ग्रीन के पास आके ऐसे जोड़ देंगे। एक चैन लेके कट कर दूंगी धागे को। येलो धागा भी कट होगा हमारा। इसको हमें यहाँ पे नोट लगा के छोड़ना है, ताकि ये खुले ना। जितने धागे हैं सभी अंदर करके फिर दिखाते हैं। जहाँ पे हमें शुरू में नोट लगाया था इसको भी हमें ऐसे खींच के नोट लगाना है ऊपर, ताकि खुल ना जाए, और फिर इसको कट कर दें, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स सभी धागे मैं नीचे ले आई क्रोशिया की मदद से, अब इनको कट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बताइएगा आपको कैसी लगी गोपाल जी की कैप। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। देखिए अगर आप यहाँ पे ग्रीन कलर लगा के 10 जंजीरी बना के यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, तो ये ऐसे उतरेगी नहीं, एकदम ऊपर आ जाएगी मुँह के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।